this is Simran. Welcome to my channel Colorful Beads. Today we are going to extract color from natural things. Let's start finding different color from nature with me. Last week I was studying color making process. While doing so, I got this idea of making painting using natural color extracted in our home. So I thought to share this amazing experience with you all. ये तिलकोर के पत्ते हैं. These are very useful in making green color. ये स्पेशली बिहार में पाए जाते हैं. मेरे दादाजी कहते थे जब सीता माता वन में रह रही थी तब वो इन पत्तों का तरुआ बनाया करती थी. तिलकोर के पत्तों का यूज फूड आइटम और मधुबनी पेंटिंग के कलर बनाने में करते हैं. इससे कलर बनाना काफी इजी है जो वीडियो के एंड में मैं बताऊंगी. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड. नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. ये अपराजिता के फूल है. दिस फ्लावर इज यूज इन मेकिंग ब्लू कलर. ये पौधों के बीच है जिससे हम पर्पल कलर बनाएंगे. इसी तरह हम अलग अलग चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे. बनाने के लिए अलग अलग कलर के फूलों और हल्दी को पीसने के बाद उसको कॉटन कपड़े से छान देंगे. मैंने भी इसे पहली बार ट्राई किया इसलिए मुझे भी इसके कलर हैंडलिंग में प्रॉब्लम आ रही थी. तब मैंने इसको अपने स्टाइल में बनाना शुरू किया. कलर हैंडलिंग इम्पॉर्टेंट है अगर आपको कलर से कुछ बनाना हो तो. वेल, मैंने इस वीडियो को एक्सपेरिमेंटल बेस्ड रखा है. इसमें मैंने कलर मेकिंग और कलर हैंडलिंग प्रोसेस को बताया है. आफ्टर डैट आई रियलाइज मुझे अपने आर्टवर्क के लिए और भी कलर की जरूरत, इसलिए और भी फूलों और चीज़ों के साथ मैंने एक्सपेरिमेंट किया. इसको डब्बे में डाल के हम कुछ दिन के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं. कलर को यूज़ करने से पहले मैं सारे कलर को एक पेपर पे ट्राई कर लूँगी. काफ़ी सारे कलर सूखने के बाद अलग दिखते हैं. खूब सारे तामझाम के बाद चलो आप फाइनली इस कलर को ट्राई करते हैं. तो मैं सोची थी क्यों ना खुद की एक पोर्ट्रेट बनाऊँ. वैसे मैंने पूरी लाइफ में 3 से 4 बार ही पोर्ट्रेट कभी ट्राई किया होगा क्योंकि सेम चीज़ बनाने में मज़ा नहीं आता. आउटलाइन के लिए मैंने ब्लैक पेन का यूज किया है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. ये मैंने आज की दिनचर्या से इंस्पायर्ड होके बनाया. रास्ते में मम्मी की डांट, दोपहर से शाम तक वोटिंग एडवर्टाइजमेंट की आवाज, शाम में रोज रोज माइक की आवाज, पापा की न्यूज चैनल की धुन, ये शांति कहाँ रहती है इस दुनिया में. इसको यूज करने के बाद मुझे मार्केट के कलर और इस कलर में कुछ खास डिफरेंस नहीं लगा. आप इसे सेम मार्केट वाले वाटर कलर की तरह यूज कर सकते हो. इनफैक्ट आप अपने अकॉर्डिंग इस कलर को यूज कर सकते हो. आउटलाइनिंग के लिए मैं ब्लैक पेन का यूज कर रही हूँ. मुझे इस पूरे प्रोसेस में 3 कलर सबसे ज़्यादा सही लगे. तिलकोर के पत्ते जिसको आप हल्का सा हाथ पे रगड़ के ग्रीन कलर बना सकते हो. सेकंड, हम लाइमस्टोन और टर्मरिक को मिक्स करके ऑरेंज ब्राउन बना सकते हैं. थर्ड वन इज द ब्लैक कलर जो हमने कैंडल की हेल्प से बनाया था. द मेन पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज टू शो यू How color is extracted from natural things. Tell me in comment section which one is your favorite color. Video पसंद आई तो like, share and subscribe.